या आई नो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सुनने के बाद ना थोड़ी सी नींद आने भी लग जाती है यार। केमिस्ट्री का एग्जाम पास कैसे हूँ, किस तरीके से रिएक्शंस याद करें, किस तरीके से फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल्स उनमें दिमाग लगाएं। तो ऑफकोर्स है ऐसी चीज़ कॉमन है, सबके साथ होती है, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। बट अभी एग्जाम का टाइम है तो पढ़ाई तो ज़रूरी है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़े बिना काम नहीं चलेगा, कंपार्टमेंट आ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो कौन सी चीज़ अभी हम कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग आप लोगों को दिमाग में बिठा लेना है कि भाई पढ़ना है, जैसे मर्जी पढ़ूं बट पढ़ना है, पढ़ाई ज़रूरी है इस टाइम पर। जो चीज़ें नहीं पसंद ना वो भी कभी कभी करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसमें ही भलाई होती है, रिजल्ट खराब आएगा तो दिक्कत होगी। ओके, तो कौन सी चीज़ अभी करने की जरूरत है, देखो आपकी केमिस्ट्री के अंदर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, साथ साथ आप लोगों के फिजिकल केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो वो अकेला एक पोर्शन ऐसा है जो वो दोनों के बराबर कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, मतलब वो दोनों के बराबर आपके मार्क्स जो है उसमें कैरी होते हैं। तो कई बच्चे ये करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही घुसे रहते हैं, फिजिकल और इनऑर्गेनिक को छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना, आप लोगों को पहले इजी इजी कॉन्सेप्ट सारे के सारे खत्म कर लो कि हाँ मैम ये वाले कॉन्सेप्ट हमें आते हैं, उन कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे से पकड़ रख लो कि हाँ ये चीजें तो मुझे आती ही हैं, अगर ये पेपर में आएंगी तो मैं इसको स्किप नहीं कर सकता, मैं इनको छोड़ नहीं सकता। ओके, उसके बाद में आपको हार्ड टॉपिक्स के ऊपर जाना है कि हाँ चलो इजी वाले एटलीस्ट खत्म हुए और अब मुझे हार्ड पे जाना है, हार्ड चीज़ों में मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, सो दैट मेरी प्रिपरेशन थोड़ी उस तरीके से हो सके। वरना बच्चे ये करते हैं हार्ड पे बैठे रहते हैं और हार्ड को समझने के चक्कर में ना उनका दिमाग नेगेटिव होता चला जाता है और उसकी वजह से वो ईजी चीज़ें भी नहीं कर पाते, ईजी चीज़ें भी वो स्किप कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, इस चीज़ से आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक को इग्नोर नहीं करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेते हुए, ठीक है। सबसे पहले उन पॉइंट्स को पकड़ना है जहाँ से ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर होते हैं, जहाँ से ज़्यादा एवरेज ऑफ मार्क्स आपकी बन सकती है, तो उन कॉन्सेप्ट को छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा में और कौन सी चीज ऐसी है जो आप करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, केमिस्ट्री में एटलीस्ट कंपार्टमेंट फेस नहीं कर। उसके बाद में अब मैम प्रिपरेशन किस तरीके से करें, एक दो दिन बाद या तीन दिन बाद या चार दिन बाद हमारा एग्जाम है, तो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी है और उनको हमें नहीं छोड़ना। फर्स्ट थिंग इज़ कि आप लोगों को बैक एक्सरसाइज और जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। हर चैप्टर के अंदर से आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपके बीच बीच में पैराग्राफ्स के बीच में चैप्टर के बीच में आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, सो डोंट इग्नोर दोज क्वेश्चंस, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलते हैं। इसके साथ साथ बैक एक्सरसाइज, जो बुक एक्सरसाइज में बैक साइड पे एक्सरसाइजेस होती हैं आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर, उन चैप्टर्स के बैक एक्सरसाइजेस को आपको नहीं छोड़ना। सब चैप्टर्स के बैक एक्सरसाइज को रट्टा मार लो, ठीक है, समझ लो उनको जितना हो सकता है अच्छे से माइंड में बिठा लो, क्योंकि वहां से आपके 15-20 नंबर क्वेश्चन कैरी करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और साथ साथ आप लोगों के जो बैक एक्सरसाइज है वहां से, ठीक है, क्योंकि वहां से आपको ट्रू फॉल्स मैचिंग्स फिलअप्स और असम्प्शन रीजंस ये सारी चीज़ें वहां से देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद में अब सेकेंड चीज़ आप लोगों को क्या करनी है जिससे आपके मार्क्स स्कोर हों, सबसे पहली चीज़ जो चैप्टर में आपको डाउट लगता है आपने नोट्स या बुक्स बना रखी होंगी, नोटबुक्स होंगी उसमें प्रॉपरली लिखे हुए होंगे, रिएक्शंस वगैरह से बोर नहीं होना है। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जो हार्डली 10, 12 या 15 होंगे, उनको लर्न कर लो। थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर लगेगा लेकिन इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, आप सब कर सकते हो अगर आप चाहो तो। उस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेकर चलोगे तो पढ़ाई हो जाएगी, डिस्ट्रैक्शन से बस दूर रहो, ठीक है, क्योंकि पेपर हार्ड रहेगा, मॉडरेट रहेगा, इजी रहेगा, ये कोई नहीं बोल सकता, बट आप लोगों की प्रिपरेशन अगर नहीं रही तो ऑफकोर्स पेपर हार्ड ही लगेगा। उसके बाद में नोट्स और वन शॉट वीडियोस, जो चैप्टर में आपको डाउट लगते हैं उनकी वन शॉट वीडियोस निकालिए, वन शॉट वीडियो के साथ साथ नोट्स भी करिए, क्योंकि साथ साथ करोगे तभी काम चलेगा। ऐसा नहीं है वन शॉट भी देखो फिर उसके बाद में आप साथ साथ नोट्स भी देख रहे हो, इतना टाइम आपके पास नहीं है। तो वन शॉट साथ 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 में आपके नोट्स, इस तरीके से दोनों साथ साथ लेके चलते हुए बोलो कि हाँ इस चैप्टर के अंदर ये है और वन शॉट में क्या दिखाया जा रहा है उसको करते हुए कंप्लीट करो, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप कॉम्बिनेशन के साथ स्टडी करोगे ना तो बढ़िया तरीके से आप लोगों का हो जाएगा, बस पढ़ना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा तो पढ़ाई पर लग जाओ।